चीन की बौखलाहट। बातचीत की आड़ में चीन ने 3 दिन में 2 बार घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने हर बार खदेड़ा। दोनों के आर्मी अफसर आज फिर मीटिंग करेंगे। चीन बॉर्डर पर 2.5 महीने बाद फिर शहादत। दावा, चीन से छड़प भारत के स्पेशल फोर्सेस का 1 जवान शहीद हुआ, 1 जवान जख्मी। सेना को 20 अगस्त से ही चीन की साजिश की भनक। 1 हफ्ते की तैयारी के बाद जवानों को पेंगोंग की दक्षिणी इलाके में तैनात कर दिया गया। चीन के साथ विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को के लिए रवाना। अयोध्या में आज पास हो जाएगा भव्य श्री राम मंदिर का नक्शा। दिल्ली में सरकार बताएगी कि अनलॉक 4 में कैसे चलेंगे मेट्रो। सुशांत केस, रिया के माता पिता से आज फिर पूछताछ। भाई शोविक पर पिता के लिए ड्रग्स खरीदने का आरोप। एनसीबी ने एक डीलर को गिरफ्तार किया। कोरोना का असर, हरियाणा के सचिवालय की शाखाओं में स्टाफ 50% से भी कम। 24 घंटे में कोरोना को 1163 मरीजों ने हराया। 1694 नए केस और 17 की मौत। अपने ही 10वीं और 12वीं के लिए बिना लेट फीस वाले बयान पर घिरी कैप्टन सरकार। विपक्ष ने उठाए फीस वसूली के निर्देशों को वापस लेने की मांग। पंजाब के जिला कपूरथला में कोरोना से 6 की मौत। फगवाड़ा में 12 नए संक्रमित, तो वहीं जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 494 तक। भारत और चीन सीमा विवाद के चलते सतर्क हुई पुलिस। मनाली ले मार्ग पर बढ़ाई चौकसी। शेयर बाजार की सपाट शुरुआत। सेंसेक्स 8 अंक की गिरावट के साथ खुला। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।